हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज बायो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के बारे में बताएंगे, जो कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश में ही स्थित है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज भारत विकास के मार्ग पर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां सड़क और पुल का निर्माण ना हुआ हो। वैसे तो भारत में लाखों ब्रिज होंगे, लेकिन भारत के कुछ ऐसे ब्रिज भी हैं जिनका निर्माण होना भारत के लिए किसी गौरव से कम नहीं है। इन पुलों ने यातायात को आसान बनाने के साथ साथ एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम बखूबी किया है। दोस्तों, दुनिया भर की निगाहें इस समय भारत के एक रेलवे ब्रिज पर टिकी हुई है। आखिरकार भारतीय रेलवे के इंजीनियरों की मेहनत निकल के सामने आई। लंबे इंतजार और कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चेनाब ब्रिज की, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। भारत के जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर स्थित चेनाब ब्रिज मार्वल इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस इस ब्रिज पर दौड़ने के लिए तैयार है। ये ब्रिज कटरा और बनिहाल के बीच की रेलवे लाइन पर चेनाब नदी के ऊपर स्थित है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। चेनाब नदी पर बना ये ब्रिज देखने में बेहद शानदार और खूबसूरत है। खास बात ये है कि चेनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा और दिल्ली की कुतुब मीनार से भी 5 गुना ऊंचा है। ये रेल ब्रिज इतनी ऊंचाई पर है कि बादल भी इसके सामने फीके नजर आते हैं। दोस्तों, ये ब्रिज चेनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो दुनिया के किसी भी रेलवे ब्रिज की तुलना में सबसे ज्यादा है। चेनाब ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है, जिसमें से 530 मीटर जमीन के ऊपर और बाकी का 785 मीटर चेनाब वैली पर बना है। इस ब्रिज की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना रेल ब्रिज है, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी हैं। चट्टान सा मजबूत ये रेलवे ब्रिज तेज हवा, भूकंप और ब्लास्ट जैसे बड़े से बड़े झटकों को भी आसानी से झेल सकता है। दोस्तों, चेनाब ब्रिज भारत का पहला ऐसा ब्रिज है जो ब्लास्ट प्रूफ मेटल से बनाया गया है। कंक्रीट और स्टील से बने इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ बनाने के लिए DRDO से परामर्श लिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस पुल को इस तरह से बनाया गया है कि अगर रिक्टर स्केल 8 का भूकंप भी आए तो भी इसका बाल बांका नहीं होने वाला। बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में शान से खड़ा ये रेलवे ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली तूफानी हवा का भी मुकाबला कर सकता है। इस ब्रिज का निर्माण यहां चलने वाली तेज हवाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस ब्रिज के ऊपर से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है, और इसके लिए टेस्ट भी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज को स्ट्रक्चरल स्टील से बनाया गया है, जो -10 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। यानी जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये ब्रिज बिना किसी कठिनाई के सदियों तक चलता रहेगा। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में बक्कल और कौरी स्टेशनों के बीच में स्थित है, जो माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से 67 किलोमीटर तथा जम्मू तवी स्टेशन से 115 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो भारतीय रेल मंत्रालय का ही एक संगठन है। निर्माण कंपनी का दावा है कि ये ब्रिज करीब 120 साल तक खड़ा रह सकता है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रिज एक सदी से भी अधिक समय तक बड़ी आसानी से भारतीय रेलवे को सेवा देता रहेगा। इस पर ऐसा पेंट किया गया है कि अगले 20 साल तक इसे फिर से रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अनुसार जनवरी 2024 तक इस ब्रिज पर रेल यातायात शुरू हो जाएगा, और इसके ऊपर से वंदे भारत तथा वंदे मेट्रो जैसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस रेलवे लाइन के चालू होने से कश्मीर की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इस रेल के चलने से देश भर के पर्यटक ट्रेन से कश्मीर जा सकेंगे। इस ब्रिज को अगर ऊपर से देखा जाए तो कोई भी इंसान यही कहेगा कि यह काफी चौड़ा है, लेकिन इस पर केवल एक ही रेलवे ट्रैक बनाया गया है, और इस ट्रैक के दोनों तरफ काफी जगह छोड़ी गई है। इसका कारण ये है कि इस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही उतनी ज्यादा नहीं है कि ज्यादा ट्रैक की जरूरत पड़े।
चूँकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जो खूबसूरत वादियों के बीच में स्थित है, तो आने वाले समय में यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। लोग इस पुल पर आसानी से घूम सके, इसलिए भी ट्रैक के दोनों तरफ काफी जगह छोड़ी गई है। चेनाब ब्रिज आर्क ब्रिज की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो स्टील और कंक्रीट से मिलाकर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज में लगभग 28,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा स्टील की खपत हुई है और इस ब्रिज को जोड़ने के लिए विश्व स्तरीय वेल्डिंग का उपयोग किया गया है। चेनाब ब्रिज का आर्क स्पैन 467 मीटर है जो भारतीय रेल का सबसे लंबा स्पैन वाला आर्क ब्रिज है। इस ब्रिज में कुल मिलाकर 18 पिलर है। इस रेलवे ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। खास बात है कि चेनाब ब्रिज जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट को 2003 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस ब्रिज को बनाना अपने आप में काफी चुनौती वाला काम था, इसीलिए इसे पूरा करने में करीब 20 सालों का वक्त लग गया। रेलवे के अधिकारी बताते हैं कि इस ब्रिज के निर्माण में देरी की मुख्य वजह इसका डिजाइन इशू था। सुरक्षा के लिहाज से कई बार बीच में ही इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।